नमस्कार दोस्तों, नेपाल के क्रिकेट जगत से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिस पर लोग काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। अभी आपको बता दें कि वेस्टइंडीज ए क्रिकेट टीम अभी हाल ही में नेपाल में आई है वेंसडे को, और इस वीडियो के वायरल होने के पीछे का कारण आप भी देखिए कि वेस्टइंडीज ए क्रिकेट टीम अभी नेपाल में वेंसडे को अराइव हुई है, क्योंकि उन्हें 5 मैच खेलने T20 सीरीज के नेपाल के खिलाफ, जो कि शुरू होने वाले 27 अप्रैल से कीर्तिपुर में, यानी कि अभी से 2 दिन बाद। और जैसे ही वो लोग काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वेस्टइंडीज ए क्रिकेट टीम को एक काफी शॉकिंग वेलकम देखने को मिलता है, जहां पर एक खराब सी टेम्पो खड़ी होती है बाहर, जो कि प्लेयर्स के लगेज को लेके जाने वाली है, यानी कि उनके सामान को लेके जाने वाली है। इसमें उनके सारे इक्विपमेंट है, क्रिकेट किट्स हैं और सब कुछ है जो कि वो अपने देश से लेकर आए हैं। और ये वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि हम लोग देख सकते थे वेस्टइंडीज प्लेयर्स खुद ही अपना सामान उस टेम्पो में भर रहे थे और उनको कोई भी हेल्प और सहायता नहीं दी जा रही थी। अब इसी को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिले कि कैसे प्लेयर्स अपने किट बैग और सूटकेस को खुद ही टेम्पो में लोड कर रहे हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है वो भी जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर नेपाल को स्लैम किया है और बताया है कि ये पुअर रेपुटेशन नेपाल की भेज रहा है और ये बेहद ही गलत है कि उन्हें खुद अपने लगेज को लोड करना पड़ रहा है टेम्पो में। और साथ ही कुछ लोग के लिए एक नॉर्मल चीज है, जैसे कि पर भास्कर लिखते हैं कि ये एक सिंपल नॉर्मल वेलकम है जो कि अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करता है फालतू के वेलकम के लिए। राबिउल इस्लाम लिखते हैं यहाँ पर कोई हंसने की जरूरत नहीं, नेपाली क्रिकेट विद टाइम इम्प्रूव होगा। गणपत तेली लिखते हैं कि हाथी भेज दिया, तो कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। ध्रुवीन लिखते हैं कि लगेज इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अ कैरियर, टीम इज ट्रेवलिंग इन अ बस, व्हाट्स द पॉइंट। शायद लिखते हैं फीलिंग सॉरी फॉर द वेस्ट इंडीज टीम। ग्रुट लिखते हैं कि पुअर फैसिलिटी। और ऐसे ही तमाम सोशल मीडिया पर हमको कमेंट्स देखने को मिले जिसमें से कुछ लोग पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे थे और कुछ लोग नेगेटिव रिएक्शन दे रहे थे इस पर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई भी टीम आती है तो उसको एक अच्छा वेलकम करना जरूरी होता है, इससे अपने ही देश की छवि कहीं ना कहीं अच्छी जाती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में डिस्टरबेंस और गड़बड़ी तो है। अगर देखा जाए इस टेम्पो से भी अगर भेजना था लगेज को तो कोई मैनेजमेंट के तौर पर लगेज पहले ही ले लेता और बिना प्लेयर्स को दिखाए या उनको बताए उस लगेज को टेम्पो में लोड करके उनके लोकेशन तक पहुंचा सकते थे वर्कर्स के द्वारा। तो ऐसा कुछ किया जा सकता था जिसमें सामान तो इस टेम्पो से ही जाता लेकिन पता नहीं चलता, या तो इससे अच्छी फैसिलिटी भी दी जा सकती थी प्लेयर्स को बस में साथ में कैरी करने के लिए, या फिर कोई अच्छी स्पेशियस बस भी दी जा सकती थी। कहने को तो ये छोटी बात है लेकिन एक अच्छा वेलकम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर डालता है। जो भी क्रिकेट खेलने आता है वो बार बार खेलने जरूर आएगा, और अगर उसको परेशानी उठानी पड़ती है तो फिर वो बाद में क्रिकेट खेलने के लिए हामी नहीं भरेगा या फिर नहीं भरते। और ये कोई इतना बड़ा इशू था नहीं कि बस की कमी है या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन की कमी है नेपाल में। नेपाल में एक से एक तरह की गाड़ी जो कि भेजी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ मैनेजमेंट जरूर है। यहाँ पर पैसे किसी ने खाए हैं या फिर पैसे किसी ने बचाए हैं, मेरी ऐसी राय है कि ऐसा हो सकता है। आपकी क्या इस पर राय कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि वेस्टइंडीज ए टीम जो कि नेपाल में क्रिकेट खेलने आई उनके साथ ये ठीक हुआ या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताएं। हो सकता है मेरी राय गलत हो लेकिन आपकी राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी और लेटेस्ट वायरल अपडेट के लिए देखते रहिए NINews Vision।